गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। हालांकि जिस चीज़ का डर था हुआ वही। मैं आपको फाइनली बता दूं कि इंडिया से यूएई के लिए फ़्लाइट से जो है वो बैन हो चुकी हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 3.5 लाख या 3 लाख समथिंग कुछ है जो है केसेस आज भी रिपोर्ट हुए, यानी कि कन्फर्म हुए हैं इंडिया में। तो उसको देखते हुए जो फ़्लाइटों में बैन लग चुका है, 10 दिन के लिए बैन लगा हुआ है। अभी जो लोग भी ट्रेवल करना चाहते हैं इंडिया से यूएई के लिए, उनके पास 2 दिन का टाइम है, यानी कि 24 तारीख से रात 12 बजे यानी कि 11:59 से लगा के स्टार्ट होगा, और इससे बैन स्टार्ट हो जाएगा और वो 10 दिन तक रहेगा। आगे की क्या सिचुएशन है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, वो तो कन्फर्म होने के बाद ही पता चलेगा कि आगे की सिचुएशन होने क्या वाली है। फ़िलहाल के लिए अभी बैन है फ़्लाइटें, अभी फ़्लाइटें बैन है, और आई होप कि ये सिचुएशन फिर से बराबर हो जाए जैसे पहले थी, जैसे नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। लेकिन इंडिया की जो कोविड की अगर हम बात करें तो बहुत ही कुछ अच्छी नहीं है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग आने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है, अगर काम है तो आए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे रहें, सेफ़ रहें, हेल्थी रहें। और जो लोग जिन लोगों को यानी कि जिन लोग को आना है बीच में, वो अपना फ़्लाइट वगैरह जो है जिनकी फ़्लाइट है बुकिंग है, तो उन लोगों के लिए समझ लीजिए कि इंडिया से दुबई के लिए फ़्लाइट पूरी की पूरी बैन है। लेकिन वहीं पर अगर आप यूएई से इंडिया के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो एक छोटी सी अपडेट थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपके साथ मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो।